पंचायत चुनाव टलने के बाद ग्राम पंचायत बरुफाटक के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पंचायत की बॉडी भंग होने से गांव की स्थिति अनाथों जैसी हो गई है, जिसके चलते समस्याओं का अंबार लगने से ग्रामीण हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव की कवायद ठंडी क्या पड़ी, ग्राम पंचायत बरुफाटक के ग्रामीणों के सामने मुसीबतों का अंबार लग गया। पंचायत की बागडोर संभालने वालों के हाथ से अधिकार छिन जाने से हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय की ओर दौड़ लगाना पड़ रही है। बावजूद समस्याएं मुंह उठाए खड़ी हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील मित्तल। कहाँ से निवासी हैं? बरुफाटक जी। क्या समस्या है सर आपकी? हमारी दुकान के पास से नालियों का पानी बाहर निकल रहा है और बदबूदार निकलता है, बदबू आती है और घरों के सामने होते हुए आधे गाँव तक जा रहा है पानी। कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। कृपया इसका समाधान अति शीघ्र। क्या आपने इसको लेकर अभी किसी से चर्चा की है? मंत्री जी से बताया था, देखेंगे करके, उन्होंने टाल दिया। कब से ये समस्या आप लोगों को? करीब 2 महीने से ऊपर हो गया। क्या इसकी कोई सुनवाई हुई है अभी तक? कोई देखने वाला नहीं, सुनवाई तो बात की बात है, देखने को राजी नहीं है। क्या नालियों का पानी का निकास नहीं हो रहा है? निकास क्या, नाली चौक पड़ी, बिल्कुल बंद पड़ी और बाहर से निकल रहा पानी दुकान के बाहर। नालियों की सफाई समय से हो रही है? नहीं, अभी तक तो कोई हुई नहीं है। कितने समय से नालियों की सफाई नहीं हुई? काफी समय से नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मुन्नी। कहाँ से निवासी है? बरुफाटक निवासी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि नाली की जब गंदगी बहुत है, नाली में रह नहीं सकती हूँ, नाले घर के अंदर नहीं रह सकती हूँ नाली में, और कम से कम 6 महीना हो गया, 6 महीना से भी ज़्यादा हो गया। पंचायत में भी शिकायत करे, पंचायत में भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या आप लोगों को क्या समस्या आ रही है नाली से? वही समस्या आ रही, पानी नहीं जा रहा और करना कचरा कोई साफ करता ना, कहीं करने नहीं देते नाली। कितने समय से चौक पड़ी है नालियाँ? नाली कम से कम वैसे तो हो गए 2 साल, पर अभी वापस 6 महीने से तो ज़्यादा ही हो रही है अभी। क्या इसकी सफाई करवाई जा रही है? ओके, सफाई एक चक्कर करवाई थी, फिर बाद में कोई ना करवाई नहीं, सफाई नहीं करवाई। आपने इसको लेकर कहीं कोई शिकायत की? पंचायत में शिकायत करी, पंचायत में लेटर भी दिया, कलेक्टर को भी लेटर दे दिया लिख के मैंने। इसकी सुनवाई नहीं की जा रही है? नहीं की जा रही है, सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक वर्मा है। कहाँ से निवासी हैं आप? बरुफाटक निवासी हूँ जी। क्या समस्या है आपकी? हमारी दुकान यहाँ पे लगती है, हमारी दुकान के पीछे से नाली का पानी, गंदा पानी निकल के जाता है, जिससे गंदगी आती है, बदबू आती है, मच्छर पनपते हैं, मच्छर शाम को बहुत हो जाते हैं, और यहाँ से निकल के आते गांव में पानी जाता है, बह के लोग दुनिया लोग आते हैं, गंदे पैर लेके जाते हैं अंदर बाहर। कब से ये समस्या बनी हुई है? करीबन 2-1 महीने हो गए। क्या इसको लेकर कहीं कोई सूचना दी गई है? अभी सूचना मंत्री साहब को बोली थी, मंत्री साहब ने बोला करेंगे। गाँव में नालियों की सफाई नहीं होने से नालियाँ ओवरफ्लो हो गई है और गंदगी मार्गों पर फैल रही है, जिससे बदबू की वजह से लोगों का यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं जिम्मेदारों का इसे लेकर क्या कुछ कहना है, जरा आप खुद ही सुनिए। बरुफाटक चूंकि कस्बे जैसी ग्राम पंचायत है और चूंकि बड़ी पंचायत है, इसलिए आपने ये बात मेरी संज्ञान में लाई है। हमारे यहाँ ग्राम में कोई स्वच्छता के लिए डेडिकेटेड अमला नहीं होता है, पर चूंकि कस्बे जैसी वो पंचायत है तो नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, या उनका क्या शेड्यूल है ये मुझे पता करना पड़ेगा। लेकिन अगर गंदगी हो रही है तो उसके निदान के लिए अवश्य कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ग्राम पंचायत का यदि सरपंच का प्रभार चला गया है तो हमने प्रशासक के रूप में सरपंच के स्थान पर हमारे DOPCO को प्रशासक नियुक्त किया है, और उसमें प्रधान की जगह आप सचिव के साथ ADOPCO वर्क करेंगे, इसलिए भंग होने से इसका कोई काम रुक जाए, इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर पंचायत चुनाव टलने के बाद ग्रामीणों को इन समस्याओं से निजात कब तक मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, ठीकरी।